हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर और आप देख रहे हैं परफेक्ट क्लिप रोल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी। तो दोनों एसी में क्या फ़र्क है, इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क है, नॉन इन्वर्टर में क्या फ़र्क है, कौन सा एसी लेना चाहिए, दोनों में क्या मेजर फ़र्क है, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले कहना चाहता हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड, नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में डिफरेंट बताने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कितने टन का एसी कितने रूम के साइज़ के लिए सफिशेंट होता है। तो पहले 1 टन, तो 1 टन एसी लगाने के लिए जो हमारा रूम साइज़ होता है एक स्टैंडर्ड 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए, यानी 10 बाई 10 का रूम होना चाहिए, 10 बाई 12 का रूम होना चाहिए। 10 बाई 10 और या 10 बाई 12 का रूम है तो 1 टन का एसी आपका इजीली चल जाता है। अगर आपका रूम 10 बाई 12 से बड़ा है, यानी 150 स्क्वायर फीट है, 10 बाई 15 का अगर आपका रूम है तो 1 टन नहीं चलेगा, वहाँ आपको 1.5 टन का एसी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका जैसे कि जो 1.5 टन का एसी होता है वो मैक्सिमम 180 स्क्वायर फीट तक चल जाता है। अगर 180 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है आपका, 220 230 तक आपको 2 टन का एसी रिक्वायरमेंट होता है, 2 टन मैक्स 220 230 स्क्वायर फीट तक इजीली चल जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको 1 टन का साइज़ के लिए आपका 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए, लेकिन अगर आपका टेरेस फ्लैट है यानी रूम के ऊपर कुछ और रूम नहीं है, डायरेक्ट हीट आती है और 120 फीट का स्क्वायर फीट का एरिया है, तो भी आपको वहाँ पे 1.5 टन लगाना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट हीट आती है, हीट ज़्यादा होता है तो 1 टन वहाँ पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा दोपहर के टाइम पे। अगर मास्टर बेडरूम है आपका 180 वाला स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसमें भी धूप डायरेक्टली आती है और ज़्यादा हीट होता है, टेरेस फ्लैट है तो उसमें भी आपको 1.5 टन का एसी नहीं चलेगा दोपहर की गर्मी में, वहाँ पे भी आपको 2 टन लगाना होता है। तो ये चाहिए बेसिक डिटेल्स जो आपको एसी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती ज़रूरी है कि आपको जानना ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर, यानी दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोगों ने सुना होगा या बहुत से लोगों को टेक्नीशियन ये सजेस्ट करते हैं कि सर आप इन्वर्टर एसी मत लो, ख़राब हो जाता है, उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा टेक्नीशियन लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि उनको इन्वर्टर एसी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है और ना उनको रिपेयर करने आता है। तो ये बिल्कुल गलत ज्ञान देते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ है तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। इन्वर्टर एसी के बारे में आप जान लो कि मार्केट में अगर आप किसी भी दुकान में या किसी भी शोरूम में चले जाओ, आपको 90% सिर्फ इन्वर्टर एसी मिलेगा और बहुत सी कंपनियों ने तो नॉन इन्वर्टर एसी बनाना भी बंद कर दिया है। तो अब बात करते हैं कुछ कंपोनेंट के बारे में इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर के लिए। तो हम बात करेंगे पहले कंप्रेसर के बारे में, जो एसी का मेन पार्ट होता है एसी को कूलिंग करने के लिए। तो पहले बात करेंगे हम इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर के बारे में। तो दोस्तों, इन्वर्टर एसी के अंदर जो कंप्रेसर यूज़ होता है वो एक हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर होता है। हाई एफिशिएंसी रोटरी कंप्रेसर का ये फ़ायदा होता है, एक तो वो कूलिंग सबसे फास्ट करता है जिससे यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है आपको। सेकेंड, इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है उसका नॉइस लेवल सबसे कम होता है, वाइब्रेशन सबसे कम होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कंपनी उस पर 10 साल की वो। दोस्तों, इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर के अंदर जो रोटर्स होते हैं वो डबल होते हैं, इसलिए इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर काफ़ी अच्छा होता है, वाइब्रेशन लेवल कम होता है, नॉइस लेवल कम होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर हम नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की बात करें तो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर सिंगल रोटर होता है, इसलिए उसमें वाइब्रेशन लेवल मिलता है काफ़ी ज़्यादा, नॉइस लेवल होता है, कूलिंग ठीक ठाक कर लेता है, कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर का, लेकिन एनर्जी सेविंग नहीं कर पाता है उतनी ज़्यादा। और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी की बात करेंगे तो सिर्फ 5 ईयर की उसकी वारंटी होती है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर में पावर कंजप्शन का क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों, इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है एक वेरिएबल स्पीड पे रन करता है। अगर आप इन्वर्टर एसी को ऑन भी करते हो तो उसका स्टार्टिंग करंट 0 होता है। अगर आप इन्वर्टर एसी में कोई एक सडन टेम्परेचर सेट करोगे तो वो
टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद एक वेरिएबल स्पीड में रन करता रहता है कंटिन्यू, और कम से कम मिनिमाइज वाटेज लेता है, कम से कम वाटर कंज्यूम करता है, जिससे एनर्जी सेविंग ज़्यादा होती है। लेकिन नॉन इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। नॉन इन्वर्टर एसी को जैसे ही आप स्टार्ट करोगे उसका स्टार्टिंग करंट सबसे हाईएस्ट होता है, और कोई भी आप रूम टेम्परेचर सेट कर देते हो तो सेट होने के बाद वो ऑफ हो जाता है। जितनी बार भी इन्वर्टर एसी ऑफ होगा, ऑन होगा टेम्परेचर चेंज होने के बाद, वो इसका स्टार्टिंग करंट सबसे हाईएस्ट होता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ज़्यादा होती है। और एक सीधा सा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे किसी बाइक को अगर आप हाईवे पे चलाओगे या लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओगे तो ही आपको एवरेज मिलता है, तो वही इन्वर्टर का एग्जांपल है। इन्वर्टर एक लॉन्ग ड्राइव की तरह है जिसमें आपको एक एवरेज मिलता है, और नॉन इन्वर्टर एक वो ट्रैफिक वाली बाइक है जहाँ अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो तो आपको एवरेज मिलता नहीं और आपका पेट्रोल वेस्ट होता है। तो वो एग्जांपल आप नॉन इन्वर्टर को दे सकते हो। तो दोस्तों अगर अब बात करते हैं कूलिंग कैपेसिटी, तो दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, कूलिंग कैपेसिटी दोनों में सेम होती है, उस पर कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंफर्ट कूलिंग की बात करें तो कंफर्ट कूलिंग एक यूनिफॉर्म कूलिंग आपको सिर्फ इन्वर्टर एसी में मिलती है। यूनिफॉर्म कूलिंग इन्वर्टर एसी में आपको इसलिए मिलती है क्योंकि इन्वर्टर एसी ऑफ नहीं होता है, कंटिन्यू चलता रहता है एक वेरिएबल स्पीड पे, और आपको एक कंटिन्यू आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता है। नॉन इन्वर्टर एसी में अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो ऑफ हो जाता है, तो यानी आपको एक कंफर्ट जोन नॉन इन्वर्टर एसी में नहीं मिलता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नॉन इन्वर्टर वर्सेस इन्वर्टर के मेंटेनेंस के बारे में। तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, या मैंने भी बहुत से लोगों से ऐसा कहते हुए सुना है कि लोग बोलते हैं कि इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस सबसे हाई होता है, उसका एक बार पीसीबी ख़राब हो गया तो 15,000 से 12,000 से कम उसका पीसीबी नहीं मिलता है। ऐसे मैंने खुद भी सुना है लोगों के मुंह से कि लोग बोलते हैं कि भाई इन्वर्टर एसी का पीसीबी इतना महंगा होता है, और नॉन इन्वर्टर एसी का पीसीबी सिर्फ 2,000 का 3,000 में मिल जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये चीज़ एक मैं मान सकता हूँ कि आज से 3 साल पहले इन्वर्टर एसी का पीसीबी 12,000 से 15,000 में मिलता था, ये बात बिल्कुल राइट है। वो टाइम पे इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस सबसे हाई होता था। लेकिन 2018 से 2019 या 2020 पकड़ लो, आज की तारीख में इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी दोनों का पीसीबी का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, यानी पीसीबी का प्राइस देखेंगे 4,000 से 5,000 में मिल जाता है। नॉन इन्वर्टर का पीसीबी अराउंड 3,000 to 4,000 में मिलता है, इन्वर्टर एसी का पीसीबी सर्किट वो भी 3,000 to 4,000 में मिल जाता है। यानी दोस्तों जो मेंटेनेंस वाली चीज़ है, जैसे कि पीसीबी जो पहले काफ़ी एक्सपेंसिव आती थी, वो आज की तारीख में वो एक नॉन इन्वर्टर के प्राइस में इजीली हर ब्रांड प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी सस्ती मिल रही है। यानी 4,000 से 5,000 में आपको इन्वर्टर एसी का पीसीबी मिल रहा है। पहले ऐसा होता था कि इन्वर्टर एसी का पीसीबी ब्रांड खुद नहीं बना पाती थी, दूसरों से थर्ड पार्टी से बनवाती थी और काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। आज की तारीख में यानी 2020 लास्ट ईयर से 2019 से मैक्सिमम ब्रांड खुद का पीसीबी बना रही है, इसलिए सारे इन्वर्टर एसी का पीसीबी सस्ता आ रहा है। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि इन्वर्टर एसी का पीसीबी इतना महंगा है तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी भी ब्रांड के टेक्नीशियन से या कॉल सेंटर से आप कंफर्मेशन कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर की क्वालिटी के बारे में। दोस्तों जो नॉन इन्वर्टर वाली एसी है उनमें भी कॉपर पाइपिंग यूज़ होता है, लेकिन उसमें जो कॉपर होता है वो नॉर्मल कॉपर होता है, कोई हाई क्वालिटी का कॉपर यूज़ नहीं होता है। और नॉन इन्वर्टर एसी में जो गैस यूज़ होती है वो R22, ज़्यादा मैक्सिमम R22 वाली गैस मिलती है, जो ओजोन के लिए अच्छी नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, वो आगे चल के बैन होने वाली है। और सेकेंड, जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ अपग्रेडेशन नहीं होता है, ज़्यादा फिल्ट्रेशन नहीं होता है, और उनके कंप्रेसर की लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और इसलिए वो प्राइसिंग में भी आपको काफ़ी कम मिलेंगे कंपेयर टू इन्वर्टर एसी। अगर इन्वर्टर एसी की बात करें तो उसमें जो कॉपर यूज़ होता है हाई ग्रूड कॉपर यूज़ होता है, यानी कॉपर की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए अच्छी होती है क्योंकि उसमें R32 गैस यूज़ करते हैं, वो पावरफुल गैस होती है, और इसलिए उसमें हाई क्वालिटी का कॉपर यूज़ करना होता है। और जो R32 गैस होती है एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है, ओजोन के लिए सेफ़ है, और वो ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। और जितने भी इन्वर्टर एसी आते हैं वो काफ़ी अपग्रेडेबल होते हैं, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, एयर प्योरीफिकेशन के फिल्ट्रेशन मिलेंगे, जो आपको नॉन इन्वर्टर एसी में नहीं मिलते हैं।
दोस्तों अगर बात करी जाए इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर की वारंटी के बारे में, तो पहले बताते हैं हम नॉन इन्वर्टर की वारंटी के बारे में। दोस्तों कोई भी नॉन इन्वर्टर वाला अगर आप एसी लेते हैं तो उससे मिलती है 5 साल के ऊपर, कंप्रेसर के ऊपर 5 साल की वारंटी, और पूरे एसी में मिलती है आपको 1 साल की वारंटी। अगर आप इन्वर्टर वाला एसी लेते हो मैक्सिमम ब्रांड में, तो कंप्रेसर में मिलती है आपको 10 साल की वारंटी, पूरे एसी में मिलती है 1 साल की वारंटी, और 5 साल के लिए मिलती है आपको पीसीबी पे वारंटी, प्लस आपको इन्वर्टर एसी पे इंस्टॉलेशन भी फ्री मिलती है, और नॉन इन्वर्टर एसी पे इंस्टॉलेशन भी फ्री नहीं मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन सा एसी लगाना चाहिए, हमें इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स कभी भी एसी खरीदने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा यूजेस कैसा है, आपको आपका एसी कितना यूज़ हो रहा है, आपको दिन में भी यूज़ करने वाले हैं कंटिन्यू एसी, या कंटिन्यू रात में यूज़ करने वाले हो, या दिन और रात में एसी चलने वाला है कंटिन्यू, तो वो हिसाब से आपको एसी लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि अगर हम प्राइसिंग की बात करें इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर के बीच में, कम से कम 5 से 8 हज़ार का फ़र्क है इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी में, यानी इन्वर्टर एसी महंगा है नॉन इन्वर्टर के कंपेरिजन में, 5 से 8 हज़ार महंगा है इन्वर्टर एसी। अगर आप जहाँ एसी लगा रहे हो वहाँ पे एसी सिर्फ कभी कभी चलने वाला है, या हफ्ते में एक दो बार चलेगा, या फिर दिन में 1 या 2 घंटा ही चलेगा, तो वहाँ पे आप नॉन इन्वर्टर एसी ही खरीदो, वहाँ इन्वर्टर एसी मत लगाओ, आप उतना पैसा वेस्ट मत करो। जहाँ आपका एसी कंटिन्यू चलने वाला है 6 घंटा डेली, 8 घंटा चलेगा या डेली 10 घंटा चलने वाला है, तो वहाँ इन्वर्टर एसी खरीदो और वहाँ इन्वर्टर एसी लगाओ। जहाँ एसी का यूजेस ही नहीं है, चलने वाला ही नहीं है, 1 या 2 घंटे चलेगा, तो ऐसे में आप नॉन इन्वर्टर एसी लगाओ, इन्वर्टर एसी लगा के आप पैसे वेस्ट मत करो। दोस्तों अगर आपका डेली 6 से 8 घंटा अगर आपका एसी चलने वाला है, डेली एसी यूज़ हो रहा है, तो ही आप इन्वर्टर एसी खरीदो। अगर आपका डेली सिर्फ 2 घंटा यूज़ हो रहा है तो नॉन इन्वर्टर एसी खरीदो। फ्रेंड्स एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप एसी खरीदने की सोचते हो तो कभी भी एसी खरीदने से पहले कोई से भी ब्रांड का चाहे एसी हो, पहले आप रूम का साइट विज़िट करा लो, यानी आपके घर की एक साइट विज़िट करा लो, ताकि एक पूरा आइडिया हो जाए कि आपका कितना खर्चा होने वाला है इंस्टॉलेशन का, एक्स्ट्रा पाइप कितना लगने वाला है, एसी कहाँ लगेगा, कहाँ लगना चाहिए, तो जो भी चीज़ें होती है वो क्लियर हो जाती है, तो बाद में आपको तकलीफ़ ना हो कि एसी लेने के बाद कि लगेगा नहीं लगेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जब इंस्टॉलेशन के टाइम पर जब टेक्नीशियन आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, वैसे तो मैं और काफ़ी चीज़ें बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाऊँगा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।